दोस्तों, मेल्स में ना पुरुषों में एक बहुत ही कॉमन समस्या देखी गई है विद एडवांसिंग एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस टर्म BPH, दैट्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। सिंपल भाषा में कहें तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया, दिस एन एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये बहुत कॉमन है, देखा गया है, गुदूद बढ़ गए हैं। देखना है पुरुषों में अल्ट्रासाउंड में, ये रिपोर्ट में अक्सर आपने तो देखा होगा, दिस इज एन लार्ज प्रोस्टेट फाउंड। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स रहते हैं ना, इट इज़ बेसिकली दैट द ब्लैडर आउटलेट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, उसका आउटलेट है, फॉर एग्जाम्पल द यूरेथ्रा, वी कॉल इट द यूरेथ्रा इज ऑब्स्ट्रक्टेड, उसमें दिक्कत रह रही है। द यूरिन आउटपुट इज रिड्यूस्ड, ड्रॉप्स में कई बार यूरिन आता है, पेनफुल रहता है, देर इज अ पेन इन द किडनी रीजन एज वेल, लोअर एबडोमन रीजन, ब्लैडर के एरिया में दर्द रहता है। दीज आर वेरी फ्यू कॉमन सिम्टम्स जो कि BPH के समस्या के साथ लिंक्ड हैं। दोस्तों, देर आर टू मेन रीजन्स फॉर दिस, वन इज द स्टैटिक कॉम्पोनेंट, वन इज द डायनेमिक कॉम्पोनेंट। थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं सो दैट वी कम अराइव एट द फाइनल डिस्कशन। जो स्टैटिक कॉम्पोनेंट है, जो अंडरलाइन कॉज है, वो है द एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, ठीक है। और जो डायनेमिक कंपोनेंट है, जो ब्लैडर के नेक के स्मूथ मसल्स हैं ना, वो उनको उनकी टोनिंग बढ़ गई है, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और बहुत ही कॉमन एक एलोपैथिक ड्रग दी जाती है, द सॉल्ट इज टैम्सिलोसिन, ठीक है। और सिप्ला के प्रोडक्ट्स हैं, यूरीमैक्स है, कॉन्टीफ्लो है, देर आर न्यूमरस ब्रांड्स विच आर बींग सोल्ड। अनडाउटेडली दे आर गुड ब्रांड्स, देर अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिजल्ट देते हैं। वो बेसिकली दे विल रिलैक्स दैट स्मूथ मसल ऑफ द नेक ऑफ द ब्लैडर, प्रोस्टैटिक कैप्सूल को रिलैक्स करेंगे, यूरेथ्रा को रिलैक्स करेंगे, सो दैट यूरिन आउटपुट नॉर्मल रहे, बहाव ठीक रहे, बिना रुकावट के रहे और बिना किसी दिक्कत के या पेनफुल सिम्टम्स के। दैट इज हाउ दीज प्रोडक्ट्स एक्ट। बट दोस्तों, याद रखें, टैम्सिलोसिन या अदर सच प्रोडक्ट्स, ये सॉल्ट्स, दे आर एसोसिएटेड विद न्यूमरस साइड इफेक्ट्स। ड्रग इंट्रैक्शंस भी देखी गई हैं, साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट टू बी गिवन टू द पीडियाट्रिक पेशेंट्स। और महिलाओं से भी बचा के रखना है ये सॉल्ट, ये दूर रखना है उनसे, क्योंकि टैम्सिलोसिन अगर ले रहा है ना बंदा, उसको बंद करने के बावजूद आफ्टर 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स, वो बंदा ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये ब्लड किसी महिला को चढ़ गया तो इट विल क्रिएट फीटल एबनॉर्मैलिटीज़, अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट है या चाइल्ड बेरिंग एज की है। सो ऐसे साइड इफेक्ट्स रहते हैं। मेल्स में भी ना दिक्कतें रहती हैं दोस्तों, द स्पर्म मोर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड, द स्पर्म काउंट इज रिड्यूस्ड, दैट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन दिस केसेस। तो ऐसे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, ऑर्थोस्टेसिस हो जाता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन पोस्टूरल जो है देखा गया है, एंड देन देर इज प्रियापिज्म भी देखा गया है। द मेल सेक्स ऑर्गन, उसमें दिक्कत रहती है, पेन रहता है एट द टिप ऑफ द ऑर्गन। तो देर आर न्यूमरस सच एसोसिएट साइड इफेक्ट्स। इन सब साइड इफेक्ट्स, ड्रग इंट्रैक्शन से बचना है तो वी हैव अ बेटर सब्सटीट्यूट इन होम्योपैथी विच हैज़ द सिमिलर फंक्शंस, द सिमिलर रोल, ठीक है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया आर्बोरेसेंस। ये एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है होम्योपैथी में दोस्तों। इट इज़ प्रिपेयर्ड, बेसिकली इट इज़ अ प्लांट, ये एक श्रब है, एक पौधा है। इट इज़ नेटिव टू यूनाइटेड स्टेट्स, नाउ फाउंड एल्सवेयर एज वेल। अप टू 3 मीटर्स इसकी हाइट रहती है। आइए पते की बात करते हैं, स्ट्रेट अवे कमिंग टू द पॉइंट। नाउ दिस हाइड्रेंजिया आर्बोरेसेंस प्लांट, इट कंटेन्स साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, इट कंटेन्स सैपोनिन्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स, जिस वजह से ये गुण इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। द होम्योपैथिक टिंक्चर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रूट एंड द राइजोम एंड इट इज कवर्ड बाय द होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। आइए इसके फंक्शंस जान लें, इसके सिम्टम्स जान लें। सबसे पहले इसका गोल्डन थंब रूल कह लें, टू प्रिस्क्राइब हाइड्रेंजिया, टू यूज़ हाइड्रेंजिया, दोस्तों हाइड्रेंजिया एक्ट्स ऑन द यूरेटर्स, ये यूरेटर्स पे एक्ट करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ साइट स्पेसिफिक रेमेडी जो स्ट्रेट अवे यूरेटर्स पे एक्ट करती है। देखिए, एसोसिएट सिम्टम्स में ना कई बार हमने देखा, अगर हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाएं तो उसमें ना कई बार कण देखे हैं, कंक्रीशंस कह लीजिए, सैंड लाइक, जैसे ग्रेवल कह लेते हैं,
अगर वो है, अल्ट्रासाउंड में भी रिपोर्ट में कई बार ना कंक्रीशंस देखे गए हैं रीनल रीजन में, किडनी के अंदर, अगर ये सब है तो वहाँ हाइड्रेंजिया काम करेगा। यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट में ना कई बार ऐसा भी देखा गया है दैट देर इज, इट इज़ मैंशन लाइक देर इज़ अ प्रोफ्यूस डिपॉजिट ऑफ वाइट अमॉर्फस सॉल्ट्स इन द यूरिन, गिव हाइड्रेंजिया, इट विल परफेक्टली ओके। देन रीनल कॉलिक, किडनी के एरिया में अराउंड द वेस्ट वहाँ दर्द रहता है, देर इज ब्लड इन द यूरिन, ब्लडी यूरिन रहता है, और जो कंक्रीशंस जहाँ रहेंगे, हाइड्रेंजिया इज अनडाउटेडली द ड्रग ऑफ चॉइस। रीनल स्टोन्स रहते हैं ना, किडनी स्टोन्स जिसे हम कहते हैं, गुर्दे में पथरी वहाँ, विच लीड्स टू पेन इन द लंबर रीजन, हाइड्रेंजिया प्लेज अ वंडरफुल रोल हियर। वेल फ्रेंड्स, हाइड्रेंजिया कवर्स वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स लाइक देर विल बी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, enlarged prostate, there will be burning pain in the urethra and the sharp pains in the loins area. Very typical symptoms. Basically, in simple bhasha mein baat karein to ye urethra ko, uske smooth muscles ko relax karta hai, enlarged prostate pe kaam karta hai, uska size reduce karta hai, normal range mein leke aata hai. Jab ye urethra relax rahegi, the urine output will be smooth, peshab khul ke aayega bina kisi rukawat ke, there will be no burning pains ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, एंड रीनल एरिया में जो दर्द रहता है उसे ये कंट्रोल में रखता है हाइड्रेंजिया। आई मीन बेसिकली द फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ टैम्सिलोसिन एंड डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दोज साइड इफेक्ट्स, देर आर नो साइड इफेक्ट्स एज सच दोस्तों, कोई इसका नुकसान नहीं है, इट इज़ सेफ फॉर ऑल एजेस। वी कैन डोजेस की बात करें तो हाइड्रेंजिया इज वेरी इफेक्टिव व्हेन गिवन इन मदर टिंचर फॉर्म, क्यू फॉर्म में दें हाइड्रेंजिया के 10 टू 15 ड्रॉप्स इन नॉर्मल वाटर, नॉट कोल्ड वाटर, दिन में कम से कम तीन से चार बार दे सकते हैं इन एक्यूट पेन केसेस, जैसे ना छोटी छोटी पत्थरी जैसे ना बाहर निकल रही है, अड़ गई है यूरेथ्रा में, गिव हैवी डोजेज ऑफ हाइड्रेंजिया विद इन अ कपल ऑफ आवर्स बाई इवनिंग इन द सेम डे और डे और टू द स्टोन विल बी आउट। और बहुत बेनिफिशियल रोल इन द जो ग्रेवल्स हैं, जहाँ कंक्रीशंस हैं, सैंड लाइक पार्टिकल्स रह गए अंदर, गिव हाइड्रेंजिया। दोस्तों थैंक्स फॉर अ पेशेंट लिसनिंग, टुडे वाज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये जो हाइड्रेंजिया की बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी दोस्तों। टैम्सिलोसिन से जो परेशान है, उसके साइड इफेक्ट्स से परेशान है, बीपीएच प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के जो पेशेंट्स हैं, उनमें हमारे पास बेहतरीन मेडिसिंस हैं, सो व्हाई नॉट कम टू होम्योपैथी। अपना ख्याल रखें दोस्तों, स्टे ट्यून टू गुरु नानक केयर्स फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़, हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, टिल यू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस।